नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बिहार डेली क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। हम आपको रूबरू कराएंगे बिहार में आज क्राइम से जुड़ी पांच प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। खबर राजधानी पटना से है, जहां ऑटो गैंग से फिर से राजधानी वासियों का डर सताने लगा है। दो दिनों के अंदर दो वारदात से लोग डरे सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि पहला मामला राजधानी के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी इलाके की, जहां ऑटो सवार चार बदमाशों ने पीएमसीएच में कार्यरत नर्स सविता कुमारी से सोने की अंगूठी, बाली और 800 रुपए कैश छीनकर फरार हो गए हैं। पीड़ित की माने तो इस घटना में ऑटो चालक की मिली भगत से छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं इन घटनाओं को लेकर पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि लगातार घटनाओं के इजाफे से राजधानी वासियों के मन में खौफ का माहौल है। दूसरी घटना राजधानी के गर्दनीबाग थाना इलाके के रोड नंबर 20 की है, जहां पुणे से पढ़ने आए इंजीनियरिंग के छात्र से ऑटो चालक ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पुणे से पढ़ने आए छात्र का मोबाइल, सोने की चेन और 5000 नकद लूटकर ऑटो वाला फरार हो गया। मामला गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। जब छात्र पुणे से दानापुर आया तो वहां से ऑटो से स्टेशन जा रहा था, तभी गर्दनीबाग 20 नंबर के पास सुनसान इलाका देखकर ऑटो चालक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मोतिहारी जिले से आ रही है, जहां पुलिस के सामने ही ग्रामीण साधु को रस्सी में बांधकर लाठी डंडा व लात घूंसे बरसा रही है, लेकिन पुलिस मुख दर्शक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर सुशासन की पुलिस के इकबाल पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुखिया रामप्रीत संजय पर किए गए हमले के आरोपी पुजारी लाल बहादुर राय उर्फ लक्ष्मण दास को आक्रोशित ग्रामीण रस्सी में बांधकर जमकर पिटाई किया। इस वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस गाड़ी लगाकर मुख दर्शक बनी हुई है। आक्रोशित ग्रामीण साधु को मवेशी की तरह कमर में रस्सी बांधकर पीट रहे हैं। जानकारी के अनुसार राम जानकी मठ के पुजारी सोमवार को मंदिर के पास खेत में कूड़ा रखने को लेकर एक महिला के साथ गाली गलौज कर रहा था, तभी मुखिया के द्वारा गाली गलौज से मना करने पर विवाद शुरू हुआ। विवाद में मुखिया जी घायल हो गए, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मंदिर के पुजारी की रस्सी में बांध कर पुलिस के सामने पिटाई की। इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि फिर से बिहार में जंगल राज हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर समस्तीपुर जिले से है, जहां पंचायत चुनाव की तारीखों की सुगबुगाहट शुरू होते ही पॉलिटिकल मर्डर का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले में पूर्व मुखिया और बस स्टैंड संचालक को बाइक सवार अपराधियों ने गोली से भूनकर मार डाला। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुखिया शशि झा नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी ठोकने वाले थे, यही बात विरोधियों को खटक रही थी। वर्तमान में मृतक शशि झा की पत्नी माधुरी देवी बकरी बुजुर्ग पंचायत की मुखिया है। इस वारदात के बाद पूर्व मुखिया के समर्थक सड़क पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। दुकानदारों ने घटना के बाद अपनी दुकानें को खुद ही बंद कर दिया। वारदात के बाद से इलाके में तनाव का माहौल पसरा हुआ है, इसी वजह से यहां भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दिया गया है। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं किशनगंज की। यहां युवा सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत नेपाल बांग्लादेश सीमा से सटे बिहार के किशनगंज जिले में इन दिनों सूखे नशे यानी स्मैक, चरस, हीरोइन आदि का प्रचलन बढ़ गया है। जिले में यह धंधा तेजी से फल फूल रहा है। युवा पीढ़ी बड़ी संख्या में नशे की चपेट में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में युवा अब इस नशे की लत के शिकार हो रहे हैं। वहीं नशे का सामान खरीदने के लिए अपने घरों के साथ साथ लोगों के घरों में भी हाथ साफ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 200 से 500 रुपए में स्मैक की पुड़िया युवाओं को उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, कुछ नशे के सौदागर अपने घरों में ही अड्डा चलाते हैं। शहर के नवाबगंज में ऐसे ही एक अड्डे पर कुछ जागरूक युवाओं ने धावा बोलकर कई लोगों को रंगे हाथ दबोचा। बढ़ते हैं अगली खबर की। बिहार से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके मन में यही सवाल उठेगा, ऐसा भी होता है क्या? यहाँ एक युवक अपने ही भाई का पिता बन गया। ये आपको सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, पर यह सच्चाई है। ये वाक्या शिवहर जिले का है, जहाँ एक युवक को चाची से प्यार हो जाता है। दोनों प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं कि रिश्ता नाता भूलकर एक दूसरे से शादी कर देते हैं। युवक अपने ही चाची के मांग में सिंदूर भर देता है और इसी के साथ वो अपने ही चचेरे भाई का पिता बन जाता है। अब बताते हैं आपको पूरा मामला। मामला शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के कुंडल गांव में एक अनोखी शादी हुई है।
यहाँ एक भतीजे ने अपने ही चाची से शादी कर ली। इस दौरान गांव के पंचायत के सदस्य भी मौजूद थे। सबने हाथ उठाकर इस शादी को मंजूरी भी दे दी। आपको पूरा वाक्य बताता हूँ। दरअसल कुंडल निवासी राम विनय सहनी की शादी 7 साल पहले शीला देवी के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद शीला ने एक बेटे को जन्म दिया था। राम विनय सहनी बाहर मजदूरी का काम करते हैं और कभी कभी गांव आना जाना उनका रहता था। उसके न होने पर राम विनय सहनी का भतीजा बबलू कुमार घर काफी आने जाने लगा। इस दौरान उसे अपनी चाची से ही इश्क हो गया। समय बीतते के साथ ही दोनों का इश्क परवाना चढ़ता गया। इस दौरान बबलू कुमार अपनी चाची को लेकर शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर ले जाने लगा। दोनों कई कई दिनों तक घर से गायब रहने लगे। इस बात की चर्चा फिर से गांव में भी होने लगी। इसी बीच दोनों एक बार फिर से गायब हो गए। इसके बाद जब दोनों वापस आए तो गांव वाले ने दोनों को पकड़ लिया। फिर क्या था, गांव में पंचायत बैठाई गई, जिसके बाद दोनों ने शादी की हामी भर दी और भतीजे ने अपने ही चाची की मांग में सिंदूर भर दिया। ऐसा ही क्राइम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।